हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उनको हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आपको संडे टू संडे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके मल्टीपल चॉइस वाले वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ग्रुप से ऐड नहीं हैं, यानी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है, तो आप ऐड हो जाइए, उसमें हम आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर में या डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, उनको हम संडे टू संडे सॉल्व कराते रहेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, यानी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों हम आपको हिंदी मीडियम में दोनों, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स में बहुत ही अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और ये मल्टीपल चॉइस वाली वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, फार्माकोलॉजी को जो आपका चैप्टर है, जो आपका फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर है, वह बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, हम सभी प्रकार के आपके लिए मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन को लाएंगे और आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पीछे लगी हुई है, हमने कुछ आपके लिए फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। जो आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जो आपका आप जो पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, उसमें एक क्वेश्चन है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है। जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी चल रही है आपकी, इसमें आपको जो इसके पिता हैं वह कौन होते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का पिता ओसवाल्ड शेमिडेबर्ग को कहा जाता है, यानी जो ओसवाल्ड शेमिडेबर्ग थे उनको मॉडर्न फार्माकोलॉजी का पिता कहा जाता है। और दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया भी है, अगर दोस्तों आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझाया है और बहुत ही अच्छे से उसमें बताया भी है। और जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन हैं उनके पीडीएफ हम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, और आप लोग जो ग्रुप से ऐड हैं वह ग्रुप से अपना नोट कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच हैव हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वह क्या होती है, यानी ड्रग को आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, यानी जितना आपने ड्रग को इंजेक्ट किया और कितना वह अपने यानी एक्शन पर पहुंच पाई, यानी जहां पर उसको एक्शन करना है उतना वहां पर कितनी क्वांटिटी में पहुंच पाई, इसके आपके रेशियो को हमने बताया था बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है, विच हैव हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी, यानी ऐसा कौन सा रूट है जिसकी सबसे हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो दोस्तों, हमने बताया था आपको इंट्रावीनस जो रूट होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, और दोस्तों जो आप ओरल रूट से मेडिसिन लेते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वह सबसे कम होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, यानी इसमें बात कही गई है जो फार्माकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका पिता किसको कहा जाता है। और वो वाला जो आपका पहला क्वेश्चन था वह था आपका मॉडर्न फार्माकोलॉजी वाला, यानी मॉडर्न फार्माकोलॉजी का पिता किसको कहा जाता था, और इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। तो आपको पता होगा, या हमने आपके लिए आंसर भी लिखा है, क्लाउड बर्नाल्ड जो थे, क्लाउड बर्नाल्ड को जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी है उसका फादर कहा जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका इंट्रामस्कुलर एंगल, यानी जब किसी पेशेंट के इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका एंगल कितना होना चाहिए। तो
तो अगर आप इंट्रामस्कुलर से किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद सबक्यूटेनियस एंगल, अगर आप सबक्यूटेनियस रूट से यानी किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, दोस्तों हमने आपको बताया भी था सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर एंगल क्या होता है, इंट्रावीनस एंगल क्या होता है। और दोस्तों अभी ये फर्स्ट वीडियो है फार्माकोलॉजी की यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बनेंगे हम आपको सब बताएंगे, जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस होंगे उनको सबको कवर कर लेंगे, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी मेरी। तो सबक्यूटेनियस जो एंगल होता है वह कितने पर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो 45 डिग्री पर जो आपका सबक्यूटेनियस होता है वह आपका एंगल लगाया जाता है, यानी जो इंजेक्शन होता है उसको दिया जाता है पेशेंट को। फिर दोस्तों सेकेंड स्क्रीन है, सेकेंड स्क्रीन पर हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और लिखे हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी कवर किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ज़्यादा फार्माकोलॉजी के जो मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे। अगर आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करते हैं और अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फार्माकोलॉजी में आपके फाइनल एग्ज़ाम सेशनल एग्ज़ाम उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके नंबर आते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज, यानी जो आपका टॉपिक था मेटाबॉलिज्म वाला, वीडियो भी अभी पड़ी है चैनल पर। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म को सेकंड किस नाम से जाना जाता है, हमने उसमें बताया था जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में। और 6 वाला आपने देखा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और जो आपका 7th वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BVV, यानी जो BVV होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। यह हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है जिसको कहा जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और आपका 8th वाला क्वेश्चन है इनवर्स एगोनिस्ट शो, यानी जो इनवर्स मीन्स उल्टा, यानी जो किसी का उल्टा एक्शन शो करते हैं, यानी अगर कोई ड्रग है अगर आपको भाई रेस्ट कर रही है तो इनवर्स एगोनिस्ट का मीन्स हो जाएगा कि भाई आपको रेस्ट नहीं करेगी, यानी आपको स्टिमुलेट करने का वर्क करेगी, यानी वह ड्रग जो उल्टा वर्क देती हैं उल्टा एक्शन शो करती हैं तो उनको कहा जाता है इनवर्स एगोनिस्ट। तो जो इनवर्स एगोनिस्ट होती हैं तो भाई कैसा एक्शन शो करती हैं, तो भाई इसका आंसर है अपोजिट रिएक्शन, यानी भाई अपोजिट रिएक्शन शो करती हैं। और 9th वाला क्वेश्चन है एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज, जब हमने एक्सक्रीशन वाला टॉपिक कवर किया था उसमें हमने आपको बताया था, उसमें आपको एलिमिनेशन जो आपकी काइनेटिक्स थी उसको हमने डिफाइन किया था। तो इसमें 9th वाला क्वेश्चन है एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज, एलिमिनेशन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के नाम से जानते हैं। और 10th वाला जो क्वेश्चन है कोलिनर्जिक ड्रग आर आल्सो कॉल्ड, यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं उनको क्या कहा जाता है, कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं वह पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहलाती हैं, यानी पैरासिम्पैथोमिमेटिक का एक्शन क्या होता है, यानी यह आपकी बॉडी को रेस्ट करेगा, आपका जो डाइजेशन होगा उसको स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार के जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक होता है वह पैरासिम्पैथेटिक की यानी मिमिक्री करता है, और जो कोलिनर्जिक होता है उसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट जो आपके फार्माकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उसको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपके फर्स्ट चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें हम मल्टीपल चॉइस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जब आप 199 रुपये का पे कर देंगे तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आपको सभी नोट्स मिलेंगे, सभी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी उसी में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।